आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में बड़ा ट्रेन हादसा, दो पैसेंजर ट्रेनों की टक्कर। हादसे में 13 यात्रियों की मौत, करीब 40 यात्री घायल। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी, पीएम मोदी, स्पीकर बिरला ने जताया दुख। पीएम मोदी ने ट्वीट कर रेल हादसे पर जताया दुख। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और हादसे की ली जानकारी। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर घायलों के लिए प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो दिवसीय गुजरात दौरा, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, शिलान्यास। बनासकांठा के आवाजी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। वर्ल्ड कप में भारत जीत का सिक्सर। भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से दी करारी शिकस्त। रोहित शर्मा ने बनाए 87 रन तो मोहम्मद शमी ने झटके 4 विकेट। 6 घंटे चली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, 70 से ज्यादा सीटों पर बनी सहमति। बाकी सीटों पर मामला अभी होल्ड। आज शाम 5 बजे सीसी की बैठक। उन्नीस विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन आज से सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक किया जा सकेगा नामांकन। 7 को नामांकन जांच, तो वापसी की तारीख 9 नवंबर। खाजूवाला में राजस्थान इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई, आईएसआई को सूचना देने वाला जासूस गिरफ्तार। एक महिला खुद को बड़े पत्रकार समूह का बताकर मांगती थी सूचना, फिलहाल जासूस से हो रही पूछताछ। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट, 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। विदिशा से सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाया। मध्य प्रदेश के रेड्डी नगर में सीएम शिवराज सिंह का रोड शो, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। सलकनपुर मंदिर के पास फूल वाली बहन ने भैया शिवराज को दिया आशीर्वाद, पहनाई अंगूठी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी ने झोंकी ताकत, राजनांदगांव में जेपी नड्डा की जनसभा। कहा छत्तीसगढ़ में घोटाले की सरकार, तो राहुल गांधी ने दी 2 गारंटियां। ईडी की कार्रवाई पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का हमला, कहा बीजेपी का घमंड 7वें आसमान पर। केंद्र सरकार शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, चुनाव आयोग को लेना चाहिए संज्ञान। केरल में प्रार्थना सभा में 3 बम ब्लास्ट, 1 की मौत, 3 दर्जन लोग घायल। त्रिशूर में 1 शख्स ने सरेंडर कर कबूला जुर्म, तो घटना के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। सिरोही से मंडार जाने वाले रोड पर हादसा, 2 ट्रेलर की भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग। कोयले से भरा ट्रेलर जलकर खाक, चालक और परिचालक जिंदा जले। भीलवाड़ा में कंटेनर और ट्रेलर की आमने सामने हुई भिड़ंत, दोनों वाहन चालक गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों का फिलहाल इलाज जारी। बारा के अंता में लापता हुए 2 बालकों का 5 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। 15 वर्षीय अंकित वाल्मीकि और 17 वर्षीय सुमित है लापता। परिजन अपने स्तर पर सभी जगह कर चुके हैं तलाश, परिजनों ने थाने में भी करवाया मामला दर्ज। सिकराई में मॉनसून पुलिस की अवैध हथकर शराब के खिलाफ 2 जगह कार्रवाई। अखाड़ा थाड़ी में शराब की भट्टियों को किया नष्ट, करीब 1400 लीटर हथकर शराब के वॉश को किया नष्ट। सिरोही के आबू रोड में आबकारी विभाग ने हथकर शराब पर की बड़ी कार्रवाई। निचला गढ़ में 4000 लीटर वॉश को किया नष्ट, 60 लीटर हथकर शराब की नष्ट, आरोपी को किया गिरफ्तार। चूरू के सुजानगढ़ में युवती से दुष्कर्म का मामला, आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। दौसा के लवाड़ थाना पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ 2 अलग अलग कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, 1 आरोपी से देसी शराब के 144 पहुए जब्त किए, दूसरे आरोपी से 70 लीटर अवैध हथकर शराब कर 600 लीटर वॉश के नष्ट। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 4500 लीटर वॉश करवाई नष्ट, 20 लीटर हथकर शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार।
श्री माधोपुर पुलिस ने कल्याणपुर इलाके में अवैध शराब पर की कार्रवाई। 129 पौवे अवैध देसी शराब, 20 बोतल बियर, 26 पौवे अंग्रेजी शराब के जब्त, आरोपी को किया गिरफ्तार। कोटपुतली के बांसूर में स्वयं सेवकों ने निकाला पथ संचलन। शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकले स्वयं सेवक, लोगों ने पुष्प वर्षा से किया स्वागत। दौसा के लालसोट में सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। भयमुक्त होकर मतदान के लिए दिया संदेश, कलेक्टर कमर चौधरी और एसपी वंदिता राणा समेत पुलिस बल हुआ शामिल। सांगानेर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भजनलाल शर्मा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। महंत बाल, मुकुंद आचार्य, भाजपा नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। करौली में बीजेपी नेता अशोक सिंह दाभाई के समर्थन में गुर्जर समाज एकजुट। गुर्जर महापंचायत में ऐलान, बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। चाकसू में चलती बाइक में अचानक लगी आग, गनीमत रही कि समय रहते बाइक सवार पति पत्नी ने उतरकर बचाई जान। शिवदासपुरा थाना इलाके की घटना। उदयपुर शहर में मानवता को शर्मसार करने का मामला आया सामने। अंबा माता थाना इलाके में रोड पर मिला कन्या का भ्रूण, पुलिस जांच में जुटी। डूंगरपुर शहर में निकाला गया पथ संचलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेविका समिति ने देशभक्ति का दिया संदेश, जगह जगह पुष्प वर्षा से किया गया स्वागत। सीकर के दादारामगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाई अजमीर जयंती, कई कार्यक्रम हुए आयोजित, शोभा यात्रा कर जगह जगह हुआ स्वागत। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस और एफएसटी टीम की कार्रवाई, 3 गाड़ियों से करीब 19 लाख की नकदी पकड़ी। पुलिस करे 3 युवकों से पूछताछ। चूरू के रतनगढ़ में हिस्ट्री सीटर की पीट पीट कर हत्या। जन्मदिन पार्टी में हिस्ट्री सीटर को पीट पीट कर मार डाला। पुलिसकर्मी के बेटे सहित 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज। पाली के सुमेर पुल में ट्रैक्टर चोरी के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। चोरी का आरोपी गिरफ्तार, ट्रेलर ट्रैक्टर जब्त। रेवाड़ी में एक फैक्ट्री में लगी आग, रास्ते से गुजर रही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, 1 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। करौली में विधानसभा चुनाव को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान करने का दिया संदेश। रायसिंह नगर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 12 कच्ची भट्टियां और 13,000 लीटर लहन किया नष्ट। बांसवाड़ा में आरएसएस ने निकाला पथ संचलन। शहर के मुख्य मार्गों पर जगह जगह पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत, बड़ी संख्या में स्वयंसेवक रहे मौजूद। आबू रोड में देखने को मिला रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार बिजली के पोल से टकराई। हादसे में कार में सवार लोग बाल बाल बचे। चाकसू में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, आरोपी महिला अरेस्ट। 15 लीटर हथकड़ शराब जब्त, 2,500 लीटर वॉश सहित भट्टियां अन्य उपकरण किए नष्ट। जैसलमेर के लाठी में अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। कार से 27 लाख की अवैध शराब की बरामद, 365 शराब की बोतल हुई बरामद। भरतपुर में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन तैयार, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण, चुनावी संबंधी कार्यों को लिया प्रशिक्षण। डीडवाना में तेज रफ्तार ट्रेलर ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, ट्रैक्टर चालक की मौके पर हुई मौत। काला की ढाणी के पास हुआ हादसा। भीलवाड़ा के पूरधारा इलाके में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दर्ज कराया मामला, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
अलवर के सांडोली गांव में विवाहिता ने खाया जहरीला पदार्थ, इलाज के दौरान हुई मौत। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। टोंक के पिपलू में पक्की सड़क नहीं होने से आमजन परेशान। सिसोला गांव में पक्की सड़क नहीं होने से लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नागौर में अघोषित बिजली कटौती से किसान परेशान। जीएसएस के बाहर किसानों ने दिया धरना। विद्युत विभाग पर लापरवाही के लगाया आरोप। अनूपगढ़ शहर में सफाई व्यवस्था बेहाल। सड़कों पर लगे कचरे के अंबार। दुर्गत से आमजन परेशान। शिकायत के बाद नहीं हो रहा समाधान। धौलपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला। घर पर बैठे लोगों पर लाठी डंडों से किया हमला। एक पक्ष के चार लोग हुए घायल। दिल्ली में जाहिदा खान के समर्थक और विरोधी हुए आमने सामने। पीसीसी वॉर रूम के बाहर जमकर की नारेबाजी। झुंझुनू के चढ़ावा में ट्रांसफॉर्मर चोरी मामले का खुलासा। पुलिस ने गिरोह के चार सदस्य को किया गिरफ्तार। पूछताछ में अन्य वारदात खुलने की संभावना। धौलपुर में संगीन परिस्थितियों में युवक की मौत। परिजनों ने जहरीला सांप काटने की जताई आशंका। पुलिस कर रही मामले की जांच। सलुम्बर के लसाड़िया में कुएं में गिरने से महिला की मौत। पैर फिसलने से हुआ हादसा। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंपा शव। सांचौर में नदी में संगीन परिस्थितियों में मिला शव। घटना से इलाके में मिली फैली सनसनी। हत्या कर शव को नदी में डालने की आशंका। दो नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पर्यटकों से गुलजार हुई स्वर्णनगरी जैसलमेर। सोनार दुर्ग गड़ीसर सरोवर और हवेलिया देखने उमड़ा पर्यटकों का हुजूम। व्यापारियों में खुशी की लहर। डीके कामा में युवक की लाठी डंडों से की जमकर मारपीट। युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गांव नोनेरा का है ये मामला। चूरू के सुजानगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। सीआईएसएफ और पुलिस के निकाला फ्लैग मार्च। चुनाव में रहेगी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। जोधपुर के लूड़ी में उपखंड अधिकारी ने स्वीप रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए किया प्रेरित। खाजीवाला में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। चार ओवरलोड ट्रकों को पुलिस ने किया सीज। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। भीलवाड़ा के बिजौलिया में आरएसएस ने निकाला पथ संचलन। जगह जगह हुआ स्वागत। कार्यक्रम में खंड संचालक दिलदार सिंह सहित अन्य रहे मौजूद। खाजीवाला में अवैध देसी शराब के साथ युवक गिरफ्तार। 51 पौवे देसी शराब की पुलिस ने की जब्त। आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया मुकदमा। झालावाड़ के पिड़ावा में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी नहीं मिला पानी। ठेकेदारों के खोद ढाली सड़कें। मरम्मत करना भूले। जल जीवन मिशन से जुड़ा मामला। बीकानेर में भयमुक्त मतदान को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। मार्च में क्यूआर टीम, बीएसएफ की टीम, तीन कंपनियां पुलिस, आरएससी होमगार्ड समेत सुरक्षा बलों के जवान रहित मौजूद। उदयपुर के सलुम्बर से भाजपा प्रत्याशी अमृत लाल मीणा का वीडियो वायरल। आचार संहिता लागू होने के बाद सांख्यिकी अधिकारी की कुर्सी में बैठे नजर आ रहे मीणा। कांग्रेस ने दर्ज कराई आपत्ति। नसीराबाद ने टैंकर ट्रक से ट्रॉली का पलटी। चार घायल, एक की मौत। ग्राम छाड़वासा के निकट हुआ हादसा। भीलवाड़ा की बिजोलिया पुलिस को मिली सफलता। पांच साल से फरार चल रहा स्थायी वारंटी गिरफ्तार। थानाधिकारी उगमा राम बेनीवाल ने दी जानकारी। उदयपुर में आरएनटी मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला आया सामने। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रत्याशी तारा चंद्र जैन का मंच पर किया गया स्वागत।
पाली में चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला के निर्देश पर निकाला गया फ्लैग मार्च। कोतवाल अनिल बिश्नोई सहित पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। अनूपगढ़ में प्रेमनगर निवासी लोगों ने एएसपी से की मुलाकात। नशे पर रोक लगाने की मांग। एएसपी के समक्ष जाहिर किया गुस्सा। टोंक के देवली में अवैध बजरी खनन पर दूनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दो ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर को किया जब्त। तीन चालक गिरफ्तार। पाली के सुमेरपुर में जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से हो रहा अवैध निर्माण। बिना परमिशन से निर्माणाधीन कार्य जारी। शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। झुंझुनू के मुरादपुर में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। मेघवाल बस्ती में 6 माह से पानी की समस्या से परेशान ग्रामीण। सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुषों ने किया विरोध प्रदर्शन। अलवर के अरावली बिहार में पति पत्नी पर पड़ोसियों ने किया जानलेवा हमला। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अभद्र टिप्पणी करने का हुआ विवाद। चाकसू में आरएसएस ने जय उद्घोष के साथ निकाला पथ संचलन। एवीएम स्कूल से शुरू होकर मुख्य मार्गों से निकाला गया पथ संचलन। लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। अलवर शहर में रामगंज मंडी स्थित ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में टायर चोरी। 70,000 रुपए की कीमत का माल ले गए बदमाश। खिड़की तोड़कर अंदर घुसे चोर। भीलवाड़ा के करेड़ा में कार की टक्कर से मासूम की मौत। खेलते समय तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। सीकर शहर में आरएसएस का पथ संचलन। 4 अलग अलग जगह से निकाला गया पथ संचलन। शस्त्र पूजन किया गया। खाटू श्याम जी में अवैध शराब बेचते एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोवर्धनपुरा ग्राम में अवैध देसी शराब बेचते युवक गिरफ्तार। 87 पौवे के बरामद। भरत के भुसावर में कांग्रेस प्रत्याशी भजन लाल जाटव पर लगे धोखाधड़ी के आरोप। प्रधान बनाए जाने का दिया था झांसा। 1.25 करोड़ रुपए लेने के लगाया आरोप। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस को मिली सफलता। एटीएम लूट मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार। नीमका थाना के उदयपुर बाटी में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में किया फ्लैग मार्च। निर्भीक होकर मतदान करने की अपील। अनूपगढ़ के रावला में चुनाव से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। अवैध शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई। खानू वाली गांव में 2,000 लीटर का लहन को किया नष्ट। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना को मिली सुरक्षा। सीआरपीएफ के 9 गनमैन रहेंगे सुरक्षा में तैनात। जिला पुलिस का एक जाप्ता भी रहेगा सुरक्षा में तैनात। अजमेर के कोतवाली थाना इलाके में एक कपड़े के शोरूम में लाखों की चोरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। भीलवाड़ा के सवाईपुर में रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत। कांदा चौराहे के घटना। पुलिस जांच में जुटी। झालावाड़ के खानपुर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी लापता। 4 दिन पहले दिल्ली से हैदराबाद गए थे दीपेश सोनी। वापस नहीं लौटने पर परिजनों से रिपोर्ट करवाई दर्ज। अवैध शराब पर नीमका थाना डीएसटी टीम और उदयपुर वाटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 50,000 की अवैध शराब बरामद। गुड़ा गांव में अवैध शराब की ब्रांच पर कार्रवाई को दिया अंजाम। सीकर आईजी सत्येंद्र सिंह का सुजानगढ़ दौरा। वेंकटेश्वर मंदिर में तिरुपति बालाजी के किए दर्शन। खाजूवाला में थ्रेशर मशीन की चपेट में आने से युवक का कटा हाथ। प्राथमिक उपचार के बाद किया बीकानेर रेफर। खेत में नरमा की लकड़ियों की कटाई करते वक्त हुआ हादसा।
भीलवाड़ा में ट्रेन के आगे छलांग लगाकर व्यक्ति ने की आत्महत्या। हादसे के चलते करीब आधे घंटे डिले हुई अजमेर उदयपुर पैसेंजर ट्रेन। धौलपुर के सरमथुरा में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई। अवैध चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। अलवर के सरिस्का में टाइगर ST-21 को देख रोमांचित हुए पर्यटक। जिप्सी के नजदीक निकला बाघ। टूरिस्ट बोले ये बेहद खास, ऐसा कभी सोचा नहीं था। विधानसभा क्षेत्र निर्वाही में होम वोटिंग मतदान कराने को लेकर मतदान अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित। चुनाव को लेकर मतदान अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण। रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाही रविकांत सिंह ने दी जानकारी। चूरू के रतनगढ़ में पेयजल की किल्लत से आमजन परेशान। वार्ड नंबर 23-24 में पिछले 14 दिन से आमजन परेशान, नहीं हो रहा समस्या का समाधान। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर पहुंचे जोधपुर एयरपोर्ट पर, प्रशंसकों ने किया स्वागत। खीरसर फोर्ट में फिल्म की करेंगे शूटिंग। पाली के बाली में चुनाव को लेकर रिटर्निंग अधिकारी ने ली बैठक। चुनाव को लेकर आवश्यक दिए दिशा निर्देश। क्षेत्र के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हुए शामिल। श्रीगंगानगर की विजयनगर थाना पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 5 किलो गांजा किया बरामद। 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। ब्यावर में सरकारी स्कूल में चुनावी पाठशाला का आयोजन। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की दी जानकारी। निर्वाचन अधिकारी कर रहे मॉनिटरिंग। संभागीय आयुक्त वंदना सिंह भी पहुंची आबू रोड। चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। राजकीय विद्यालय सहित निजी स्कूल के बूथ केंद्रों का लिया जायजा। बांसवाड़ा के धामनिया में कचरा मशीन में आने से युवक की मौत। डॉक्टर ने किया उदयपुर रेफर। उदयपुर के लिए निकलते वक्त हुई मौत। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नरेश अरोड़ा की मुलाकात। पिछले दिनों दोनों में विवाद की आई थी खबरें, पर इन तस्वीरों से विवाद की अटकलों पर लगे अब ब्रेक। बॉलीवुड साउथ फिल्म अभिनेता रावत देव गोस्वामी पहुंचे पोखरण। युवाओं ने किया माला पहनाकर भव्य स्वागत।